ये समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी, और इस समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में जनता बहुत करारा सबक सिखाने का काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखते हुए 2022 में 300 से अधिक कमल फिर मिलेंगे, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सपा गठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। धन्यवाद। इस तरह नियंत्रित रहे जीवन और जीविका को महामारी के दौरान कैसे बचाया जाना चाहिए, इस मॉडल को खड़ा करने में देश को भी प्रदेश को भी सफलता प्राप्त हुई। आज थर्ड वेव आ चुकी है और थर्ड वेव के मामले लगातार पूरी दुनिया में भी, देश में भी और प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जनपदों का मैं स्वयं भी दौरा कर रहा हूं। प्रथम वेव के दौरान भी मैं यहां पर आया था, द्वितीय वेव के दौरान भी मैंने इस संतोष मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था, आज थर्ड वेव के दौरान भी आज मैंने यहां का दौरा किया है, एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने दौरा किया है। पिछले पौने दो वर्षों का जो अनुभव है, आज कोविड प्रबंधन में मदद भी कर रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जीवन और जीविका को बचाने की जो एक कवायद है उसमें भी भारी सफलता प्राप्त हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि एक्टिव केसेस अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा हैं, और अगर हम गाजियाबाद के अंदर देखेंगे तो 10,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेस के हैं गाजियाबाद जनपद में भी। लेकिन हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वह 1% से भी कम है, और ये चीजें दिखाती हैं कि सेकेंड वेव की तुलना में ये थर्ड जो पात्र व्यक्ति हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्ति और उनकी संख्या को देखेंगे तो अब तक जो दी गई डोजेज हैं वो 48,47,000 वैक्सीन की डोजेज गाजियाबाद जनपद में दी जा चुकी हैं। इसमें प्रदेश के अंदर पहली डोज लेने वालों की संख्या है 94%, सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या है लगभग 60% यानी 60%, और गाजियाबाद में अगर हम इस प्रतिशत को देखते हैं तो गाजियाबाद में ये संख्या फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या लगभग 98% लोगों को यहां पर फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। दूसरी डोज लेने वालों की संख्या भी गाजियाबाद में लगभग 69% है, यानी लोगों में एक अच्छी जागरूकता है इसके प्रति, और वैक्सीन ड्राइव का जो अभियान चल रहा है ये बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी यहाँ निरीक्षण किया है जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग के नौजवानों में वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है, और मैं यहाँ पर उस सेंटर में गया था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि यहाँ पे अब तक 1,13,000 से अधिक नौजवानों ने भी, 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के नौजवानों ने भी वैक्सीन की पहली डोज अपनी ले ली है। यह एक अच्छा अभियान है। इसके अलावा एक प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है जो 60 वर्ष से ऊपर के कोमोरबिड हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर वे लोग जिन्हें कोविड प्रबंधन के कार्य के साथ जुटना है, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 15,611 प्रिकॉशन डोज भी गाजियाबाद में दी जा चुकी है, और 4,09,000 प्रदेश के अंदर
प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया, वैक्सीन के खिलाफ एक दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि ये थर्ड वेव कम खतरनाक है, लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी है तो इसमें सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यह खतरनाक है और उनको हर हाल में बचाना होगा। अनावश्यक भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना होगा। इसके लिए प्रदेश में 5,500 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का एक व्यापक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। शेष अन्य लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक न निकलें, भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, और अगर जाना ही पड़े तो उन स्थितियों में इस बात को ध्यान में रखें कि वे मास्क जरूर पहन करके जाएं, क्योंकि ये सामान्य जागरूकता का जो अभियान है यह बचाव और सतर्कता के माध्यम से कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन अभियान को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने देश को इस महामारी के दौरान दो वैक्सीन दी। वैक्सीनेशन का हमारा जो ड्राइव है देश का 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो गया और पहली बार ये देखने को मिला कि किसी महामारी में देश ने वैक्सीन विकसित किया हो। भारत के अंदर मार्च 2020 में कोरोना के मामले आए थे और मार्च 2020 से इसके खिलाफ अभियान भारत ने चलाया था और 16 जनवरी 2021 में देश के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव का अभियान प्रारंभ हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का यह अभियान चल रहा है, जिसमें कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं।